तो हमारा है कि सरकार उस मूवमेंट से बातचीत करे। जैसे पहले भी दो दौर की बात हुई है, दोबारा फिर वे बैठ गए। किसान वापसी नहीं जाएगा, सरकार छेड़खानी नहीं मत करें उनके साथ में। वो बैठेगा या तो वो आगे जाएगा दिल्ली की तरफ, वो पंजाब नहीं जाएगा बगैर बातचीत के, समाधान के। वो वापसी जाएगा ही नहीं। किसान की ये टेंडेंसी होती है और हम सब नजरे बनाए हुए। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगा तो ना हमारे से किसान दूर है ना हमारे से दिल्ली दूर है। इनजस्टिस की बात की जाए, आप कह रहे हैं सर इनजस्टिस, अब किस तरह की इनजस्टिस होगी मतलब आपको लग रहा है? भाई, मतलब अगर उनसे बातचीत नहीं करेंगे तो वे आगे को बढ़ेंगे, वे आगे बढ़ेंगे तो उनके साथ में अगर कोई भी हरकत होती है तो किसान उनके साथ में, देश का किसान। अभी एक वो मूवमेंट है, एक ग्रुप का है, एसकेएम की आज मीटिंग हो रही है और उसमें हम अपनी सलाह करेंगे उसमें कि हमको क्या करना है। अभी सलाह कर रहे हैं क्योंकि फैसला उन्हीं को लेना, उन्हीं की कमेटी फैसला लेगी। जो भी सरकार को बात कर रही है वो उसी कमेटी से बात करे। लेकिन कमेटी तो सर अभी यही कह रही है कि बातचीत करने की कोशिश सिर्फ सिर्फ माध्यम के थ्रू आ रहा है, लेकिन हमारे पास में ऐसा कोई भी बातचीत की बात आ नहीं है। जाएंगे, एक आध दिन में आ जाएंगे, 2 दिन में आ जाएंगे, 10 दिन में आ जाएंगे। किसान वापसी नहीं जाएगा। हो सकता है कि 2 दिन बाद में एक बड़ी जरूरत पूरे देश के किसानों को वहीं इकट्ठा होने की पड़ जाए। हो सकता है कि अलग अलग जगह लोग इकट्ठा हो जाए। अभी हमारा 16 तारीख की कॉल है हमारी, तो हम भी 16 तारीख की वो कर फिर एसकेएम और हो सके कि उन लोगों के आपस में बातचीत हो तो हम भी 16 तारीख तक का इंतजार करेंगे। सरकारों को 16 तारीख तक का टाइम है कि वो बातचीत से इसका समाधान निकाल लें। अगर नहीं तो सर, क्योंकि एक तरफ एक आंदोलन में जो मौजूद है वो कह रहे हैं कि हम कल से रेल रोको भी शुरू करेंगे, तो एक सरकार का नियम है। धीरे धीरे ये मूवमेंट बढ़ेगा। कल पंजाब में एक संगठन ने ये बात करी है कि हम कल से ट्रेन रोकेंगे 4 घंटे के लिए। तो ये धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ेगा। ये कल पंजाब में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, और जगह होगा। ये नहीं कि सब लोग वहीं जाएंगे या सब लोग दिल्ली जाएंगे। जो लोग जहां होगा वहां से वो आंदोलन शुरू कर सकता है। आंदोलन का क्या है कि घर से बाहर निकल के और आप किसी मुद्दे के लिए बैठ जाओ कि मैं बैठ गया भाई, ये मेरा इशू है, तो वही एक आंदोलन का हिस्सा होता है। प्रहलाद जोशी अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं कि रईत किसान अगर जो चाह रहे हैं, जो बातचीत करना चाहते हैं, वो आगे आ जाए, बगैर वो पत्थर फेंके वो आगे आके तो बात आगे कर तो सकते आ हैं। तो रहे ना, आप बुलाओ उनके पास में, मीटिंग का इनविटेशन भेजोगे। मीटिंग कहाँ होनी, और उनके जो लीडर है उन्होंने कहा भी है कि बातचीत करने को तैयार है। उन्होंने शाम तक का टाइम दिया है और बातचीत को बढ़ावे। आगे आके कैसे आएंगे आगे भाई, बात कहाँ होगी? वो चंडीगढ़ में होगी, वहां होगी, किसी गेस्ट हाउस में होगी, तो कहाँ होगी बात? बताए, मैं तो तैयार है बात करने को। पीयूष गोयल जी हो या राजेश से विद्यानंद सर हो, सारे उनसे मिलने की और कोशिश की है बातचीत करने की और समझौता निकालने की, लेकिन आज तक संगठन आगे नहीं आ रही है इस नहीं तरह नहीं की आ रहे, बात। आगे आ रहे, कोई वो नहीं है। ये झूठ बोलते हैं सरकार कि आगे नहीं आ रहे। उन्होंने आज भी उनका बयान था और उन्होंने बॉर्डर पार का कहा है कि, और पब्लिकली उन्होंने कहा है कि अगर सरकार बात करना चाहती है तो हम तैयार है। ये पत्थर कहां मारने वाले किसान होते हैं, रुको, पत्थर मारने वालों को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों के साथ हम हैं, ये कह रहे हैं जो प्रहलाद जोशी जी, आप है किस नहीं, तरह से देख पत्थर रहे हैं? कोई नहीं मार रहा। बैरिकेटिंग किसने लगाए? पत्थर मारने वाले भी सरकार के ही लोग होते हैं। वे उन्हीं को प्रोजेक्ट करती हैं कि कुछ लोग उनके बीच में घुसा दिए, वही होता है। कोई किसान पत्थर नहीं मारता। क्यों मारेगा किसान पत्थर? मतलब आपको लगता है कोई ना कोई घुस के ये सारे घुस का चीजें ये कर रहा काम है? कर देता है, ऐसा नहीं। पर किसान ना पत्थर मारता ना कोई हिंसक प्रदर्शन करता। किसान तो जाता है भाई, कील कांटे किसने काटे? अगर वहां को उनको उखाड़ कर जाएंगे तो पुलिस टीएस गैस का इस्तेमाल करेगी। ऐसा नहीं है, वे बातचीत से इसका रास्ता निकाल रहे। किसान इनके साथ में है। राकेश जी यहाँ पे है बेंगलुरु में, वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वहाँ प्रश्न भी उठ रहा है कि राकेश जी सच में ये आंदोलन के साथ हैं, उनको नहीं नहीं सपोर्ट दे रहे हैं? हमने ये कहा है कि किसान संयुक्त मोर्चा अभी इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं है। इस मूवमेंट की जो लोग अगुवाई कर रहे हैं हम उनके साथ में हैं। वे किसान जो संयुक्त मोर्चा है उससे बातचीत करें
लेकिन इसकी अगुवाई वही करेंगे जो इसकी लीडरशिप कर रहे हैं, वे इसकी बातचीत का हिस्सा बने, वही बात करे सरकार होनी चाहिए, न सरकार तोड़ने की कोशिश करे कि किसान संयुक्त मोर्चे से अलग बात करे, जिनका मूवमेंट है उन्हीं से ही सरकार बात करे। पॉलिटिकल सपोर्ट भी आपको लगातार मिल रहा है कांग्रेस बात पॉलिटिकल तो आती आती है, जब कोई इंजस्टिस होता है, कोई पथराव होता है, कोई इस तरह की घटनाएं होती है, आंसू गैस के गोले चलते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में रहती है वो आ जाती है समर्थन देने के लिए, हम भी आपके साथ में हैं, लेकिन वो मूवमेंट का हिस्सा नहीं है। कई मूवमेंट उन्होंने ही स्टार्ट करवाए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कौन मूवमेंट स्टार्ट करवाता है? मूवमेंट किसान का है ना, कोई स्टार्ट करवाता ना, ये पॉलिटिकल लोग है कि मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और उनके किसी के पैरोल पे है, ये किसान है, इनका आंदोलन पूरे देश भर में चलता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, जिस तरह के आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है, कहीं ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव आगे, इसको दायरे में रखते हुए कहीं आप ये भी सोच रहे हैं कि सरकार जो है उसके साथ हम इसके ऐसा दबाव में लाए कि इस चीज को आगे बढ़ाते जाए और बातचीत की बात ही ना करें? नहीं नहीं, हम तो बात के लिए तैयार है ना, हम तो, वो तो सरकार को देखना है कि उसका नफा होगा या नुकसान होगा, तो सरकार को देखना है। हम तो बातचीत के लिए, किसान हमेशा तैयार रहता है। जब दिल्ली में 13 महीने का आंदोलन हुआ तो हमने 12 बार बातचीत की, समाधान सरकार को निकालना है। राहुल गांधी आपको लगातार सपोर्ट दे रहा है इस टाइम पे, लेकिन उनके स्वामीनाथन कमेटी के जो सपोर्ट था रिपोर्ट था उसको उस टाइम पे भी उन्होंने लागू नहीं किया तो उनकी सरकार चली गई। भाई लागू नहीं किया तो सरकार चली गई ना। अब इनको आप क्या कह रहे हैं सर? अभी तो बीजेपी सरकार है, प्रधानमंत्री जी से बात करने की कोशिश की। अब सरकार से बातचीत करने की, उसमें कोई भी हो सकता है, सरकार के लोग कोई भी हो सकते हैं। आप रेडी हैं सर? हम तैयार हैं, देश का किसान तैयार। अगर प्रोटेस्ट बंद नहीं हुआ तो आप भी जाएंगे? नहीं नहीं, हम जा रहे हैं, जो भी संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा हम वो काम करेंगे। हम आज रात को वापसी चले जाएंगे, हमारे प्रोग्राम थे यहाँ पे वो फिनिश हो गए, हम जा रहे हैं, रात में 12 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे और कल से फिर मूवमेंट पे पूरी नजरें हम और संयुक्त मोर्चा रखेंगे। संयुक्त मोर्चा जो निर्णय लेगा हम वो काम करेंगे।